सदर लोकसभा सीट से निर्दल उम्मीदवार भी गर्मजोशी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राधेश्याम सेहरा ने नामांकन दाखिल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेयन को नामांकन पत्र सौंपने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार ने कहा कि किसान और मजदूर परेशान हाल हैं, बेरोजगारी मेरा मुख्य मुद्दा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर समाज की सेवा करने के लिए मैं मैदान में आया हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार राधेश्याम सेहरा ने कहा, किसान मजदूर परेशान हाल है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं अपने समाज की सेवा के लिए भी मैदान में आया हूं। बेरोजगारी मेरा प्रमुख मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है, उसको हम ध्यान आकर्षित करवाएंगे और मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर प्रबल काम करे। किस पार्टी से? मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ, राधेश्याम सेहरा मेरा नाम है। काफ़ी चर्चित चेहरे हैं मैदान में, अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं चेहरे? मैं जीत रहा हूँ, भरपूर मतों से जीत रहा हूँ, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा सब मेरे साथ है। मैं अनवरत संघर्ष करता रहूँगा और करता हूँ।